देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही बता चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पंजाब की आवाम को ये कहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपना सीएम कैंडिडेट 2022 के इलेक्शंस का अनाउंस करके ये वाला चुनाव लड़ेगी। और इलेक्शंस अब अनाउंस हो गए हैं, लगभग एक महीना बचा है इलेक्शंस में, तो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करेगी और एक ऐसा शख्स होगा जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा और बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी। मौजूदा है उनमें से होगा या नया आएगा? अब आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एक एक करके नाम ना पूछे मुझसे, बहुत जल्द बताएंगे। और एक ऐसा नाम होगा जिसका नाम सुन के वास्तव में पूरे पंजाब में एक बदलाव की लहर दौड़ेगी, खुशी की लहर दौड़ेगी और पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि हमने 26 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी, 24 साल शिरोमणि अकाली दल की सरकार देखी और इन दोनों सरकारों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब एक मौका बदल को, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, ये मूड है पंजाब का। कल सिद्धू साहब ने भी अपना दिया है कि अपना पंजाब का मुद्दा ये करेंगे, पंजाब मॉडल। और दूसरा चन्नी साहब भी कह रहे हैं 111 दिन की सरकार हमारी बहुत अच्छी रही। देखिए, पहली बात तो कि 111 दिन में चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने 11,000 वादे जरूर करे, 11,000 ऐलान जरूर करे, लेकिन 111 दिन की सरकार में 11 काम भी उन्होंने करके नहीं देखा है। एक कैमरे के शौकीन, एडवर्टाइजमेंट के शौकीन, पूरे दिन फोटोएं खिंचवाना, वीडियो बनवाने के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने कोई काम नहीं किया। तो चन्नी साहब की 100 दिन की जो सरकार रही उसे पंजाब की जनता ने देखा, एक ऐसी सरकार जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब स्थिति में रहा, जिसकी सरकार में बेअदबी की कोशिशें हुई, सभी धर्मों की बेअदबी की कोशिशें हुई, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती नजर आई। तो चन्नी सरकार एक फेल्ड सरकार रही है, कॉम्प्रोमाइज सरकार रही, जिसने झूठ मूठ में इलेक्शन स्टंट करते हुए विक्रम सिंह मजीठिया पे एक कमजोर, एक वीक FIR करी। और कल विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मैं कहां था 20 दिन, ये सुखी रंधावा जो होम मिनिस्टर हैं और चन्नी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें पता था। यानी कि सरकार जानती थी मजीठिया कहां पर है, लेकिन सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। और आम आदमी पार्टी इकलौती वो पार्टी है जो पहले दिन से कह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी बादल परिवार के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ रल के काम करते हैं और वो जानबूझकर कभी भी विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करेंगे। ये FIR, ये मुकदमा सिर्फ चुनावी स्टंट था, कुछ सुर्खियां लेने के लिए, कुछ वाहवाही बटोरने के लिए। मैं सिद्धू जी पहले ये बताएं कि उनके मॉडल को क्या उनकी पार्टी में कोई सुन रहा है? अकेले सिद्धू जी अकेले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई पार्टी का शख्स उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। पंजाब मॉडल वो पंजाब के लोगों को बाद में समझाएं, पहले एक बार अपनी कांग्रेस पार्टी को समझा लें पंजाब मॉडल। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने केजरीवाल साहब की तमाम अनाउंसमेंट्स का विरोध किया, एक एक अनाउंसमेंट का, यहां तक कि सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने केजरीवाल साहब की उस अनाउंसमेंट का करा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपए का मुआवजा, 1,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देंगे। और उसका विरोध करने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद खुद यही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम 2,000 रुपए हर महिला को देंगे। तो पंजाब में आज के समय एक नई कहावत बनी है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी शख्स नवजोत सिंह सिद्धू साहब को सीरियसली लेता है पंजाब की सियासत। इंडिया टुडे ने तो वो स्टिंग किया था जिसमें सिक्योरिटी लैब्स को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो DSP है या फिर SHO है, सारी जानकारी है वो SP तक दे रहे थे। देखिए, ये सारा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम साफ तौर पर ये जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो बेहद अनपॉपुलर है पंजाब में, जिनसे पंजाब में कोई राबता नहीं रखता, जिन्हें पंजाब में कोई पसंद नहीं करता,
लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सुरक्षा देना राज्य सरकार यानी कि सूबे की सरकार चन्नी सरकार की जिम्मेदारी थी। चन्नी सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में फेल हो गई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चन्नी साहब की समय में पंजाब ने देखी है, इससे खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शायद ही कभी पंजाब में हुई हो जब से चुनाव फिर से होने शुरू हुए। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जो भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। वो कितना माइनर लैप्स था या कितना मेजर लैप्स था ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री की प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी कि उनके आसपास की सिक्योरिटी एसपीजी की होती है जिम्मेदारी, और उसके बियॉन्ड की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो पूरे सिक्योरिटी एपरेटस को कहीं ना कहीं हमें देख के समझ के एक निष्पक्ष जांच होगी, उसी में सामने आएगा कि क्या सिक्योरिटी लैप्स था और क्यों हुआ। मैंने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी और आपको और पूरे पंजाब को बड़ी खुशी होगी वो नाम सुनकर। एक खुशी की लहर, एक बदलाव की लहर पूरे पंजाब में दौड़ेगी। अनाउंसमेंट कौन से नाम की होगी? आपके विधायक कहते हैं आन बान शान और मान होगी। हाँ। तो मान किसको किसको देखें इस बार? राघव जी एक तो राउंड ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, वो तो कंप्लीट है क्योंकि जिन जिन मान का प्रोबेबल पहले लेते थे नाम वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। आप भगवंत मान बचे हैं। वो कहते हैं ना जी, तुम मेरा शौक तो देख, थोड़ा इंतजार तो कर। अब तो इंतजार की घड़ियां बहुत ही कम रह गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है कि जो सीएम है वो जनता चुनती है ना कि हाईकमांड चुनता है। मुझे लगता है कि आप सब हमारे जो साथी हैं मीडिया में वो सिद्धू साहब को बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे बताइए पंजाब में कौन उनके बारे में बात करता है, कौन उन्हें सीरियसली लेता है? वो जो बातें करते हैं उनकी पार्टी हाई कमांड वो ही सीरियसली नहीं लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में पूरी तरीके से बिखर चुकी। उनके एक एक करके नेता छोड़ गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष विदेश चले गए। इनकी मीटिंग्स में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। टिकट के बंटवारे, चुनाव अब कुछ ही हफ्ते दूर है। आम आदमी पार्टी ने 117 टिकटों में से 110 हलकों में अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, टिकट्स अनाउंस कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट अनाउंस नहीं करी। तो कांग्रेस पार्टी पार्टी ही नहीं चला पा रही है। तो जो पार्टी नहीं चला पा रहा वो सरकार कैसे चलाएगी?